दोस्तों बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर 2021 की परीक्षा में 5 बड़ा बदलाव किया है, जो कि आप सभी को परीक्षा से पहले जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला बड़ा बदलाव ये है कि CCTV की निगरानी में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। बतलाया गया है प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर और अन्य आवश्यक संस्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी केंद्रों को फ्लैक्स बोर्ड और पोस्टर पर आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं यह प्रदर्शित करना होगा। 500 स्टूडेंट्स पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है कि इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा को दिशा निर्देश जारी। जूता मोजा पहनकर एग्जाम देना वर्जित होगा, यानी मना होगा। साथ ही साथ बताया गया है एडमिट कार्ड गुम हो जाने पर भी परीक्षा के लिए मिलेगी अनुमति। मतलब कि आपका एडमिट कार्ड खो गया है या घर पे छूट गया है, फिर भी आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। आगे बताया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देश में कहा है कि इंटर व मैट्रिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थियों का फोटो भी दिया रहेगा। इस दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड गुम हो गया या घर पर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन फोटो से उसे पहचान कर और रोल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आगे परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना मना किया गया है। जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरी बदलाव ये किया गया है कि परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक मिलेगा प्रवेश। मतलब कि जिनका भी प्रथम पाली में एग्जाम है वो 9:20 तक प्रवेश कर सकते हैं, जिनका भी द्वितीय पाली में है वो 1:35 तक प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा में एक बेंच पर दो ही परीक्षार्थी बैठ पाएंगे। आगे बतलाया गया है 25 छात्र पर एक वीक्षक रहेंगे। मतलब 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एक परीक्षा हॉल में कम से कम 2 वीक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे। बोर्ड की माने तो वीक्षक के रूप में कॉलेज और हाई स्कूल के शिक्षक के अलावा प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। चलिए चौथी बड़ी बदलाव ये है कि नकल करने पर लगेगा 2000 जुर्माना या होगी जेल। बताया गया 2021 की सैद्धांतिक परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार बोर्ड के अनुसार कदाचार करते कोई पकड़ा गए तो 2000 का जुर्माना या 6 महीने का जेल या फिर दोनों दंड लग सकता है। इसको लेकर सभी केंद्राधीक्षकों को दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं। आगे आप लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिए, केंद्रों पर AC व्यवस्था, प्रवेश पत्र दिखाने के बाद ही एंट्री होगा। केंद्र पर परीक्षार्थी ही आ सकेंगे। OMR पर छात्र का हस्ताक्षर होगा। DM मुख्य परीक्षा नियंत्रक होंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, COVID-19 के चलते आप लोगों को मास्क सैनिटाइजर जरूरी है उपयोग करना। परीक्षा केंद्र पर छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, इसके लिए सभी केंद्रों पर गोलाकार चिन्ह बनाए जाएंगे। परीक्षार्थी गोले में खड़े होकर ही बारी बारी से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। सभी छात्र को मास्क और हैंड सैनिटाइजर लेकर आना जरूरी है। चलिए आगे आप लोग यहाँ पे देखिए, निर्देशों का करना है पालन। जूता मोजा पहनकर नहीं देना है आप लोगों को परीक्षा। छात्र चप्पल में परीक्षा देंगे। परीक्षार्थी की जांच 3 बार अलग अलग समय पर की जाएगी। परीक्षार्थी की तलाशी महिला और पुरुष बल करेंगे। प्रवेश पत्र, कलम, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर ही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर अंदर नहीं जाना है। आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ समझ लिए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।